हाय गाइस, वेलकम टू लास्ट मिनट टिप्स वीडियो फॉर महाराष्ट्र एम बी एस ई टी 2022 एग्जामिनेशन। सो ओवरऑल 150 मिनट्स टाइम वी विल गेट टू सॉल्व 200 क्वेश्चन एंड दिस ईयर पेपर विल बी जम्बल। दिस इज वेरी क्लियर दैट पेपर विल बी इन जम्बल फॉर्मेट, इट विल नॉट बी इन द सेक्शनल फॉर्मेट। सो वॉट आर द डूज एंड डोंट यू शुड डू आई विल बी टॉकिंग दिस वीडियो। इन एडिशन टू दिस, जो पेपर आपका होने वाला है वो मॉडरेट होने वाला है। एंड एंड वॉट बेसिस आई एम सेइंग दिस, बिकॉज रिसेंटली लॉ 3 and 5 ईयर्स का एग्जाम हुआ है, एम सी एस ई टी का एग्जाम हुआ है, दोनों का पेपर मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। तो पेपर आपका मॉडरेट ही आएगा। इंग्लिश और लॉजिक में क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, एवरीथिंग वी विल लुक एट। इन एडिशन टू दिस ऑल्सो आई विल रिकमेंड टू एवरीवन लॉ का लॉजिक और इंग्लिश का जो एनालिसिस का वीडियो है 3 ईयर्स लॉ एंड 5 ईयर्स लॉ को लेकर, उसको देख लो, बिकॉज उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है आपके एम बी एस सी टी के एग्जाम में, और आपको डिफिकल्टी लेवल भी समझ में आ जाएगी, उसी टाइप का आपका मोस्टली एग्जाम होगा। सो टू वॉच द वीडियो जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब एम एच लॉ सी टी 3 ईयर्स पेपर एनालिसिस वीडियो बाई मेन्यूर एजुकेशन, लॉजिक का भी आ जाएगा, फिर इंग्लिश का भी आ जाएगा, लाइक वाइज फॉर 5 ईयर्स, दोनों वीडियो को देख लो अच्छे से, ठीक है। सो इंग्लिश में जो टॉपिक्स आए थे वो ये सारे टॉपिक्स आए हुए थे, और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये नया था। तो जिसने लोगों ने अभी तक ये पढ़ाई नहीं की है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, पढ़ लो इसको। स्पेल चेक, एनालॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इडियम्स और फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आए थे, वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन आए थे, बाकी आपका फिल इन द ब्लैंक्स भर भर के था। रीडिंग कॉम्पिटिशन किसी स्लॉट में था, किसी स्लॉट में नहीं था, ये मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, लॉ 3 ईयर्स एम सी ए वाले स्लॉट की। तो आपको भी इसी तरीके का सेक्शन आने वाला है, ठीक है। बट हाँ, ये एक नया टाइप है जो आप कर लो ग्रामर को लेकर के, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लॉजिक। लॉजिक में एनालॉजी वाले क्वेश्चन करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेटर सीरीज से, ऑड मैन आउट, कैलेंडर एंड क्लॉक से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सो डू प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक वेरी वेल। बाकी आपका जो लॉजिक का सिलेबस है वो पढ़ के रखो। मेजरली ट्रेडिशनल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इस साल उन्होंने, और आपका क्रिटिकल से क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसमें भी लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर। तो आपके मेन्यूअर के बुक में भी क्वेश्चन है सारे टॉपिक को लेके, प्लस टॉपिक टेस्ट में भी क्वेश्चन है पूरा। सो अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लो। इस साल का जो कंपटीशन है वो 160,000 एप्लीकेंट प्लस एप्लीकेंट विल बी राइटिंग। सो डोंट नीड टू वरी, पेपर आपका मॉडरेट होगा, जो पढ़ाई की है आपने वो आपका 100% दो, डेफिनेटली विल बी हिटिंग गुड स्कोर इन सी ई टी 2022। सो विल बी गेटिंग 200 क्वेश्चन जो आपको 150 मिनट्स में सॉल्व करना है। सो पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं होंगे आपके, 15-20 क्वेश्चन तो आपको स्मार्ट गेस से जाना होगा, तुक्का मटका मारना पड़ेगा, ठीक है। जितना रफ वर्क कम करोगे, द क्लीनर द वर्कशीट द फास्टर यू आर। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो, टाइटली जंप एंड गो फॉर डायरेक्टली जंप फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास सी टी में, ओके। सो थिंक लाइक दिस, टाइगर इज रनिंग बिहाइंड यू, अपने को भागना है सी टी में, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं है। सो मेक श्योर अच्छा परफॉर्म करो सी टी में, अच्छा स्कोर लेके आओ, सो दैट वी एंड अप विद द बेस्ट एम बी ए कॉलेजेस फॉर आर करियर। सो इन नेक्स्ट रिमेनिंग डेज डोंट गेट पैनिक, कीप योर मोटिवेशन हाई, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन चालू रखो आपकी, ठीक है। रिवाइज करो, जंबल्ड मॉक लिखो, एनालिसिस करो, और जंबल्ड मॉक को लेके स्ट्रैटेजी भी डेवलप करो, कंसेप्ट पे वर्कआउट करो, ठीक है। सो फॉर मॉक टेस्ट आई वुड रिकमेंड 40-30 स्ट्रैटेजी यू कैन अप्लाई, और डेफिनेटली अगर आपने मॉक जंबल मॉक नहीं लिखा हुआ है, सो 5 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च एट मेन्यूअर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो यू शुड राइट द जंबल मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस करके जाओ, जो भी गलती करना है मॉक में करो, बट रियल एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ऑल्सो जंबल मॉक को लेकर के दिस इज वॉट द स्ट्रैटेजी यू कैन डेवलप, मतलब आप ये मत सोचो कि 200 क्वेश्चन का आपका पेपर है, ये सोचो कि 40 क्वेश्चन का आपका पेपर वन है, पेपर टू आपका 40 क्वेश्चन का है, पेपर थ्री आपका 40 क्वेश्चन का है, पेपर फोर 40 क्वेश्चन का, पेपर फाइव 40 क्वेश्चन। सो ओवरऑल आपके 200 क्वेश्चन हो गए, और आप 30-30 मिनट्स का टाइम दे रहे हो, तो 150 मिनट्स। अभी ये 30 मिनट्स के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, उसमें भी आई रिकमेंड 5 मिनट पहला लो आप, उसमें पूरे 40 क्वेश्चन को गो थ्रू करो, और उसमें जो इजी लेवल के 4, 5, 8, 10 जो भी इजी लेवल क्वेश्चन मिल रहा है उसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने पूरा 40 क्वेश्चन देख लिया कि उस सेक्शन में, उस वाले स्लॉट में, उस वाले पेपर में 40 क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बिकॉज पेपर आपका जंबल्ड है तो लॉजिक भी रहेगा मिक्स, उसके बाद आप बिकॉज आपका पेपर जंबल्ड है, मैथ्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, लॉजिक भी होगा, सब मिक्स होगा, ठीक है। तो 5 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा, दूसरा डिफिकल्टी लेवल भी समझ में आ जाएगी। तो 20 मिनट जो बचा हुआ है, नेक्स्ट 20 मिनट उसमें आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दो, जो ईजी वाले हैं, मॉडरेट वाले हैं, और जो डिफिकल्ट है वो लास्ट 5 मिनट्स में, और बाकी पूरे क्वेश्चन जो रिमेनिंग जो आपने सॉल्व नहीं किया है, मार्क नहीं किया, वो लास्ट के 5 मिनट्स में ख़त्म करो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप मार्क फॉर रिव्यू करके रखो, और ये टाइम अगर सेव कर सकते हो 2-3 मिनट तो वो सेव करके रखो लास्ट के लिए,
वैसे ही आपको पेपर टू, पेपर थ्री, फोर, फाइव सॉल्व करना है। ये स्ट्रैटेजी एक बार डेवलप करके देखो, डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। सो डू रिमेंबर गाइस, वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग, 70 मिनट है अपने पास जेलोप की ज़िंदगी, तो अपने पास 150 मिनट है, उसमें अपने को अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा स्कोर लेके आना है, एंड डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है पूरी पढ़ाई, बिकॉज वी हैव डन वेरी हार्ड वर्क, वी हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, सो डेफिनेटली एग्ज़ाम में हम अच्छा करेंगे। सो जिस दिन आपका एग्ज़ाम का डेट है, टाइम है, उसी टाइम पे अभी मॉक लिखना चालू कर दो, ठीक है, सो दैट एग्ज़ाम वाले दिन भी आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। ओके, सो काइंडली सिट विद दी रफ वर्क, वाटर बॉटल, एंड मेक श्योर आपका डोर क्लोज हो व्हेन यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट। सो डी डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, बट या मिनिमम 5 मॉक तो लिख के जाओ बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। नाउ लेट मी गाइड यू विद रिगार्ड्स टू दी मॉक प्रोग्राम, अगर आपने मॉक प्रोग्राम नहीं लिया हुआ है तो। और टू जॉइन द मॉक प्रोग्राम, जस्ट लॉग ऑन टू manuvideo.com वेबसाइट, गो टू बाय ऑनलाइन MBA एंट्रेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम विल ओपन। मॉक टेस्ट में जाओ, मॉक टेस्ट के अंदर आपको जंबल मॉक दिखेगा, सो यू कैन जॉइन दिस मॉक प्रोग्राम, इमीडिएटली इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग द मॉक। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक को लेकर के, देन यू कैन चेक आउट दिस सेक्शनल प्रोग्राम एज वेल, ठीक है। सो सारे वीडियोज़ को अच्छे से देख के जाओ, ट्रेडिशनल लॉजिक पर ज़्यादा फोकस रखना, इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब पे, बिकॉज यहाँ से इस साल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सबका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, और अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें क्या क्या करना है। ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को जितने लोग MBA CET का एग्जाम लिखने वाले हैं एंड वॉन्ट टू हिट गुड स्कोर इन MBA CET। सो वंस अगेन, द क्लियर द वर्कशीट द फास्टर यू आर, जितना रफ वर्क कम करोगे, मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना टाइम आप सेव करोगे और अटेम्प्ट भी आपका इंक्रीज होगा। सो डू वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।